Hello friends, let me welcome you to another of our videos. This Bibliophile Study Center video is focused on certain idioms that keep coming time and again in different competitive examinations. ये वो idioms हैं, वो मुहावरे हैं जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं. So let's do them. The first is at 6s and 7s. I hope you understand what we have got to do. There are 5 idioms in this column on the left hand side. They have to be matched with their possible meanings which are ranged in the column on the right hand side. Ye 5 muhavre hain. Ye 5 inke arth hain. To inhe milana shuru karte hain. Pehla hai at 6s and 7s. Jab koi paristhiti at 6s and 7s hoti hai, to wo bilkul avyavasthit hoti hai. For example, we have been at 6s and 7s in the office for some time now. So if things are at 6s and 7s, if you are at 6s and 7s, then things are disorganized, you are not well organized, you are in a confused state of mind. Jab at 6s and 7s hain, to cheezein badi uljhan mein hain, ya vyakti jo hai, wo ek uljhan ki sthiti mein hai. So what's the answer? उत्तर क्या होना चाहिए? बी, नॉट वेल ऑर्गेनाइज. जब चीजें अच्छे से व्यवस्थित ना हो तो वो एट 6s एंड 7s है. व्यक्ति जिनके व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है, जो कंफ्यूज है, वो व्यक्ति एट 6s एंड 7s है. मीट वंस वाटरलू और मीट योर वाटरलू. देखिए, बहुत सारे मुहावरों के पीछे कोई कहानी होती है और इस मुहावरे के पीछे भी एक कहानी है. नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा. नेपोलियन बोनापार्ट वॉज एन इमेंसली सक्सेसफुल फ्रेंच जनरल. ही वॉज सो सक्सेसफुल दैट ही हैड कॉन्कर्ड अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. बट वॉट हैपन्ड ऑन द 18 जून 1815 में बेल्जियम के वाटरलू नामक स्थान पर नेपोलियन हार गए. उनकी निर्णायक हार हुई और उसके बाद उनका पूरी तरीके से पतन हो गया उनके साम्राज्य का, उन्हें कैदी बना लिया गया. व्हेन यू मीट योर वाटरलू, यू लूज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फाइनल बैटल ऑफ योर लाइफ एंड दैट्स वेयर इट इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर यू. फिर आपकी जंग, आपकी चुनौती सब समाप्त हो जाती है. तो उत्तर क्या हुआ? टू बी फाइनली डिफीटेड, पूरी तरह परास्त होना. कल्पना कीजिए एक ऐसा चुनाव जिसमें एक राजनीतिक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, लगभग हर स्थान पर हरा दिया. हम कहेंगे पार्टी ए मेट इट्स वाटरलू एट द हैंड्स ऑफ पार्टी बी. पार्टी बी विक्टोरियस है, उसके हाथों पार्टी ए अपने वाटरलू पर गई. मेट इट्स वाटरलू मीन्स हार गई, पूरी तरह हार गई. टू बीट अबाउट, बीट अराउंड द बुश. जब आप बीटिंग अबाउट द बुश करते हैं, बीटिंग अराउंड द बुश करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप सीधे मुद्दे पर नहीं आते, आप बातों को घुमा फिरा कर करते हैं. यू टॉक अबाउट थिंग्स इन अ वेरी इनडायरेक्ट, अब्लीक और कॉन्वोल्यूटेड वे. सो इंस्टेड ऑफ कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, यू टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. समझिए आपको किसी से अपना भुगतान लेना है और वो व्यक्ति दुनियादारी की इधर उधर की बातें कर रहा है और अब आप थोड़े से नाराज होने लगे, खींचने लगे. आप कहते एक्सक्यूज मी, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड कम स्ट्रेट टू द पॉइंट. टेल मी व्हेन आर यू क्लियरिंग अप माय अकाउंट, व्हेन आर यू गोइंग टू पे मी अप. क्या उत्तर होगा बताएं? उत्तर होगा इसका सी, टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट. चौथा, टू सेट द बॉल रोलिंग. टू सेट द बॉल रोलिंग का अर्थ है कि कुछ ऐसा काम करना जिससे बस काम आगे चल पड़े, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी की कल्पना कीजिए जहाँ म्यूजिक बज रहा है, सब लोग एक दूसरे को कह रहे हैं चलो डांस करते हैं, लेकिन कोई भी आदमी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता. फिर आपने सोचा कि नहीं, चलो मैं ही आगे बढ़ता हूँ, मैं ही कुछ डांस, कुछ गाना शुरू करता हूँ ताकि पार्टी थोड़ी जम जाए. तो आप कहेंगे आई डिसाइडेड टू सेट द बॉल रोलिंग
by dancing or by singing a song, right? Many a time what happens in business world, in corporate world, there are discussions, there are memorandums of understanding or memoranda of understanding, but then, you know, things don't move forward. So one of the parties may say, it's time we set the ball rolling. अब हमें सेट द बॉल रोलिंग करने का मतलब है काम को होने देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए. सो द आंसर हैज गॉट टू बी टू मेक समथिंग स्टार्ट हैपनिंग, किसी काम को होने देने की शुरुआत करना. नाउ द लास्ट एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मीन्स फाइट, झगड़ा, वैमनस्य. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इज समथिंग लाइक अ फ्रूट पीपल आर फाइटिंग अमंग themselves फॉर. एक ऐसी चीज जिसके लिए लोगों में प्रतिस्पर्धा हो, झगड़ा हो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है. फर्ज कीजिए एक भूभाग है जिसके लिए दो देश लड़ रहे हैं. सो दैट टेरिटरी मे बी कॉल्ड द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन दोज टू नेशंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट फैमिली प्रॉपर्टी इज द चीफ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू वॉरिंग ब्रदर्स. वो जो पारिवारिक जमीन है, संपत्ति है, वो उन दो भाइयों के बीच में मुख्य एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, झगड़े का कारण है, झगड़े की जड़ है. अ सब्जेक्ट ऑफ फाइट और एनवी. एनवी का अर्थ क्या है? अलबत्ता ईर्ष्या. झगड़े, ईर्ष्या, आपसी वैमनस्य की जड़. इज दैट क्लियर? आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. एंड इफ यू वॉन्ट टू मास्टर इडियम्स, मेक योर सेंटेंसेस यूजिंग देम. And please don't forget to like our channel, subscribe to it, and share it with your friends. Thank you so much for viewing.